सईदुल अजब के इस आर्टिस्टिक माहौल में जो आप देख रहे हैं सामने कुतुब मीनार, एक मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग। और मेरे साथ हैं डॉक्टर नीरजा चांदना पीटर, और ये DNB इन्होंने किया है, लेकिन ये पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पेंटिंग काफ़ी सालों से कर रही हैं। इनका जो पेंटिंग का स्टाइल है वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये बनाती हैं, जिससे अपने कंपोजिशन क्रिएट करती हैं, बहुत कलरफुल है। जो ये पेंटिंग आप कर रही हैं, कितने टाइम हो गया आपको ये सब करते हुए? जी मुझे 10 साल हो गए पेंटिंग करते हुए, और पहले तो मैं मेडिसिन भी प्रैक्टिस कर रही थी 9 साल तक, तो बल्कि 9.5 साल तक, अभी तक रिसेंटली 2 महीने पहले तक, और दोनों चीज़ें एक साथ करती रही 10 साल। और ये मेरा एक रिलीज़ कह लीजिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, रोज़ के 100 मरीज़ देखने गवर्नमेंट सेटअप में, तो जो थकावट थी जो बिल्कुल ही उतर जाती है ये जब आर्ट में आप जाते हैं तो। और सुबह के टाइम में पोइट्री और इंस्पिरेशन मिलती रही तो वो भी लिखते रहे। तो आपको क्या ये डॉक्टर बनने से पहले कुछ ऐसा शुरुआत में होता है, लोग बचपन से फील करते हैं आर्टिस्ट होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो ऐसा कुछ था कि बचपन से आप चाहती थी आर्टिस्ट बनना या बाद में शुरू हुआ ये? नहीं, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं एक विलेज में सर्व करना चाहती थी। ओके, तो खुदा ने क्या मेरी इच्छा पूरी की, मैं मानती हूँ इस ब्लेसिंग को, कि साउथ दिल्ली जैसी जगह में रह के मैंने विलेज पॉपुलेशन को 23 साल सर्व करा। क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेटअप में थी तो ये सारे आसपास के विलेजेस, बेगमपुर, बेरसराय, मालवीय नगर, ये इस कटवारिया सराय, सारे ये इधर वाले जो मेहरौली, ये सब विलेज पॉपुलेशन ही आती रही मेरे पास, लोअर स्ट्राटा, और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। जी 2016 में मैंने पहली बार एक ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्ट बनाया और उसका नाम दिया इनसाइट, और वो मुझे उसके लिए इतना अच्छा रिस्पांस मिला, जिसने भी उसे देखा उनको एक बड़ा अजीब सा सुकून मिला। मुझे बनाने में भी वो, जैसे हम कभी भी कोई स्टिल लाइफ करते हैं या कोई पोर्ट्रेट करते हैं, कोई रियलिस्टिक या फिगरेटिव काम करते हैं, जो मैंने सब एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उसमें मुझे लगा कि हम एक दायरे में बंद रहते हैं, जैसे कि हम एक टनल में हैं, कि हमें एक नॉर्म फॉलो करना है, हमें वैसा ही हूबहू बनाना है। लेकिन ये चीज़ जो थी वो एक नेचुरल फ्लो में आई मेरे साथ, जिसमें मुझे लगा मैं बिल्कुल फ्री हूँ, जैसे मैं उड़ सकती हूँ, मैं जो भी करना चाहूँ इसमें मैं कर सकती हूँ। तो ये एक्सप्रेशन जो मुझे, जो फ्रीडम मिला इससे, और क्योंकि मैं बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हूँ इसलिए मैंने ज्योमेट्री यूज़ करी क्योंकि वो फोकस है, डिसिप्लिन है, जो मेडिटेशन में भी होता है वही चीज़ मुझे इसमें मिली। सो दैट फ्रीडम और साथ में उसके साथ डिसिप्लिन, तो ये दो चीज़ें जो थी इसकी वजह से मैं इस तरफ झुकी। इस तरह से आप जो हर पेंटिंग में ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल ये कंपोजिशन बनाती हैं, तो क्या इसका कोई टाइटल भी देती हैं? इस पर्टिकुलर पेंटिंग का क्या टाइटल है? जी इसका टाइटल है द अवेकनिंग टू, बिकॉज इससे पहले एक और द अवेकनिंग 1 बनी है। सो ये सारे जो भी टाइटल्स हैं ये सब मेडिटेटिव टाइटल्स ही हैं, जैसे ये कोई साधना है, नमन है, मनन है, चिंतन है, ये दी अवेकनिंग है। एक ओरिजिनली जो हम एब्सोल्यूट जो खुदा बाप ऑलमाइटी हैं उनके पार्ट है हमारा सोल, और एक जब हम इस माया जाल लाइफ साइकिल में आते हैं हम भूल जाते हैं कि हम उसी एब्सोल्यूट, उसी सोर्स का पार्ट हैं। तो जब हम रियलाइज़ करते हैं फिर से और फिर कनेक्ट होते हैं डिवाइन से, तो उस पार्ट को मैं दी अवेकनिंग या डॉन कहती हूँ। अच्छा, हर पेंटिंग में मैंने ये नोटिस किया है कि एक ब्लैक कलर हमेशा सेंट्रलाइज रहता है, इसका क्या रीज़न है? ब्लैक इज मिस्ट्री, ब्लैक इज ऑल्सो, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी विच इज हिडन, बिकॉज दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो जो पेंटिंग है वो भी ट्रांजिशन फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, डॉन जो हमारा टाइम होता है, हमें मालूम है कि एक सोर्स है, एनर्जी है, सन है, लेकिन हम अनजान हैं उस समय जब अंधेरा होता है, बिल्कुल सुबह से पहले हम उस सोर्स से अनजान हैं, तो वो फोकस जो है वो उसी पर है, इसीलिए वो ब्लैक सेंटर दिया। तो ऐसे था कि मेरे जितने भी ये मेडिटेटिव वर्क्स हैं उसमें फोकस सारा सेंटर पर था, और मैंने सोचा कि मेडिटेशन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है,
एक अलग से टाइम उसके लिए निकाल के या अलग से जगह निकाल के नहीं करना चाहिए. वो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. इट देर हैज़ टू बी अ प्लेफुलनेस इन इट. इतने सीरियस वो चक्रास से लोग रिलेट करें या तंत्र से रिलेट करें तो आई डिडंट वांट दैट सीरियसनेस टू कम. सो आई नेम दिस प्लेफुल चक्रास. कि मेडिटेशन कैन बी एनीथिंग. यू कैन मेडिटेट ऑन अ थॉट, यू कैन मेडिटेट ऑन एन आइडिया. सो इसलिए. और दूसरा, ये जो दूसरी वाली पेंटिंग है इसका नाम है माइंडफुल डीकंस्ट्रक्शन. सो एक थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन भी है. जैसे मेरे हर चीज़ में वो सिमेट्री थी, सेंट्रल फोकस था, उसको मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी, थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी. सो इसलिए इसका ऐसे नाम. जी बिल्कुल. ऐसे था कि मैं इतने साल वो फिगरेटिव और रियलिस्टिक काम करने के बाद जब ज्योमेट्री में चली गई तो फिर कभी कभी मन जो है वो वापस रियलिज्म पे आता है. और फिर मेरा नाम भी नीरजा है, नीरजा का मतलब लोटस, और कुछ ऐसे मैंने रिलेट किया. और दूसरा ये, क्योंकि मेडिटेशन है थीम, तो एक लोटस जो है वो उपनिषद्स में कहा गया है कि ये एक सेंटर ऑफ फोकस है. कि हमारे हृदय में एक 8-पेटल्ड लोटस है जिसमें जीवात्मा रहती है, जो सब जानती है, जिसमें सब कुछ है. सो दैट वॉज द सेंटर, और इसी को मैंने दर्शाया है. सो जैसे आर्ट मेरा पैशन है, वैसे राइटिंग भी मेरा पैशन है. जो मैं बचपन से पोइट्री लिखती आ रही हूँ, और अभी जो मेरा स्टेट है, जो वो कॉलिंग महसूस हो रही है आर्ट के लिए, वो एक पोइट्री पोएम के ज़रिए मैंने कही है. तो सुनिए. अ बटरफ्लाई इज़ ऑल आई वॉन्ट टू बी, लॉस्ट इन आर्ट लाइक अ वर्लिंग सूफी. As close to nature as can be, drunk in its sweetness, fragrant in its freshness, resting in softness of petal beds, camouflaged in its brightness, lightly floating over beautiful gardens, flapping and wading over breeze, picking up colors on my way, dancing and splashing, with all my soul and heart, making life a work of art.